हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी एकदम मैं तैयार होकर बैठी हूँ, दीदी भी तैयार हो रही है क्योंकि आज दीदी और जीजू प्री वेडिंग शूट करने जाएंगे, मैं भी जा रही हूँ। तो मुझे लगा चलो एक छोटा सा ब्लॉग भी बना देती हूँ। कपड़े है गाइस, यहाँ पे सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कहाँ पर शूट करने जाए। पहले से जो सोच के रखा था वो तो कैंसिल हो गया था। घर से निकलते निकलते थोड़ा सा लेट हो गया था और ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकते, बहुत टाइम लगेगा जाने में। और जीजू को उसी दिन मतलब रिटर्न करना भी था, इसलिए तेजपुर में ही जो आसपास पार्क थे वहाँ पर गए थे। तो सबसे पहले अग्निगढ़ पार्क में गए थे और उस दिन संडे था तो मतलब बहुत सारे लोग थे पार्क्स में भी। और हम लोग जब आ रहे थे तब भी हम लोगों ने देखा पिकनिक पे आए हुए थे लोग। रिलैक्स होने का तरीका सारे लोग है आज। सारे देख देख के जा रहे कैमरा देख। यहाँ पर मैं सब लोगों का रिएक्शन ले रही थी, देखो सब ऐसे घूर घूर को देख रहे थे, बच्चे लोग भी। अभी हम लोग कोल पार्क में आए, मतलब तेजपुर में ही शूट करना है, बाहर नहीं जा सकते। जाने का प्लान था तेजपुर से बाहर, लेकिन जीजू को आने में थोड़ा सा लेट हो गया है, इसलिए तेजपुर में ही करना पड़ रहा है। अग्निगढ़ में थोड़ा बहुत किया, अभी कोल पार्क में कर रहे हैं। अग्निगढ़ में भी इतने सारे लोग थे, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं। आज संडे है ना, इसलिए ये वाला सीन करने में बहुत टाइम लग गया था। दोनों हंस भी रहे थे बीच बीच में, 10 या 15 टेक लिए होंगे, इससे ज्यादा भी हो सके। रुक रुक के दीदी और चीजों को देख रहे हैं। जीजू को हाइलाइटर लगा के दे रही थी, तो ये क्यूट वाला मोमेंट मैंने कैप्चर कर लिया। और परफ्यूम भी लगा के दे रही है। Thank you.
ये रहा दीदी का थर्ड आउटफिट, अभी मंदिर में शूट करेगी। सुबह करना था लेकिन टाइम हो नहीं पाया तो इसलिए। स्ट्रगल देखो, गाड़ी में तैयार होना पड़ रहा है। हम लोग मंदिर जा ही रहे थे, फिर रास्ते पे प्यारा सा सुंदर सा सनसेट का व्यू दिख रहा था, तो यहाँ पर रुक के भी थोड़ा सा फोटोशूट वगैरह कर लिया था हम लोगों ने। सब लोग देख रहे हैं। कला ओके। मैं भी ना वीडियोग्राफर बन गई हूँ, इन लोगों के पीछे पीछे चलते चलते। सुबह 10 बजे या 11 बजे निकली थी, अभी शाम हो गया है, अभी शाम की आरती हो रही है मंदिर में, और अभी जो मंदिर का जो शूट है वो कंप्लीट होने के बाद घर जाएंगे। मैं ना उतना बोल बोल के शूट ही नहीं गया, मुझे मतलब हेडेक हो रहा है, सुबह से बाहर निकली हुई हूँ ना। मंदिर में शूट कंप्लीट होने के बाद हम सब लोग मंदिर से निकल रहे थे, तो मंदिर के पास में यहाँ पर प्रसाद दे रहे थे, तो हम सब लोगों ने वहाँ पर खिचड़ी खाया। नाइंटीज की हीरोइन। हम लोग घर पहुँच चुके हैं और ये राधी का फोर्थ आउटफिट, अभी घर में थोड़ा सा फोटोशूट करने वाले हैं दोनों, इसलिए दोनों ने मतलब कपड़े भी चेंज कर लिया है। दी तो मस्त तैयार भी हो चुकी है 90s की हीरोइन की जैसी, और यहाँ पर दी जीजू को फाउंडेशन लगा दे रही है। गाइस मैं छुप छुप के वीडियो बना रही हूँ, कुछ दिख नहीं रहा है, ये देखो कुछ दिख नहीं रहा है, क्या आप लोगों को दिख रहा है? आज का वीडियो यही तक था। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दी और चीजू की प्री वेडिंग के और भी अगर पिक्चर्स आप लोगों को देखने हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में आप लोगों से शेयर कर दूंगी। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।